देखो, अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकारी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपके संबंध कैसे लोगों के साथ, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता। ऐसा कहते हैं कि जितना विद्वान है, जितना धनवान है, उतना नम्र होगा तो वो उसकी विद्वत्ता और उसकी नम्रता के कारण उसका व्यक्तित्व और खुलता है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा परिवार नहीं चल सकता। जो मैंने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, पर उसके साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर ये हमारे बीच में नहीं होगा, एक साइड में हम बहुत विद्वान होंगे और बहुत धनवान होंगे, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैंने कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा जीवन में अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा तो बड़े बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स सुनील गावस्कर लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा, और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर, उनको मिलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद, उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला, तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, नो वन इज परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति भगवान ने तैयार नहीं किया है। हमारे बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। तो जीवन में हमने यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो है इससे और अच्छे कैसे बनेंगे। हमारे आगे और हमारे पीछे, हमारे ऊपर और हमारे नीचे, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे क्या हम ले सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे बहुत लोगों में एक मिस इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। मुझे आज 8वीं डिलीट मिल रही है, पर मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं लगा था। क्योंकि मैं 75 में जब HSC में था तो इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी से आंदोलन लेकर मैं वो साइकिल मशीन पत्रक निकालना उसके पीछे भिड़ गया। तो नेचुरली मेरा परसेंटेज 52% मिला। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी, कह रहे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है, मेरे पास माँ है। वैसे मैंने उनको माँ को वैसे ही कहा। उस समय दीवार, मैं भी अमिताभ बच्चन को परसों दिन भर साथ थे, तो मैं उनको कह रहा था कि आपका जंजीर की फाइटर, मैं उस समय थर्ड क्लास में पिक्चर देखता था, यानी उस कैटेगरी में था कि सिनेमा सामने से और नाटक पीछे से।
तो मैं बोला अमिताभ जी वो जंजीर में प्राण के साथ आपकी फ्लाइट अभी भी भूला नहीं हूं, और थर्ड क्लास में बैठकर सीटियां बजा बजा कर एंजॉय करते थे, क्या मजा आती थी। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा नितिन जी मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते हैं तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, तो हमारी हालत खराब हो जाती थी, तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं, अब हमारी फिल्म में 1 साल याद रखते हैं। जब उन्होंने कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई, क्योंकि हमारे यहां एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत, उनकी हिंदी में एक मृत्युंजय करके मराठी में किताब थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सशक्त लेखक थे, और उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो महाभारत के इतिहास पर थी, महारथी कर्ण पर था किताब, हिंदी एडिशन है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि विस्मृति ये भगवान ने व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। जब मैंने उसको वो पढ़ा तो मुझे वो बात इतनी जज गई कि मैंने ये तय किया कि आप कोई काम करना है तो उसको भूल जाओ। और मेरी माँ अक्सर कहती थी अगर किसी के लिए कुछ मदद करना है तो मदद जिस क्षण में करते हो उस समय भूल जाओ, बताओ मत किसी को। तो मैं तो भूल गया हूं, पर अपना जो कार्य होता है वो लोग याद रखते हैं। आप आर्टिफिशियली कितना भी करो, कितने पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, कुछ भी, कुछ नहीं होता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में क्षमता होगी तो निश्चित रूप से वो आपको मिलता ही है। अच्छा मैंने ने आप तो साइंटिफिकली आर्किमिडीज ने भी कहा है कि पानी में कोई भी चीज डुबाओ, जितना वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो तुम अगर जेब में कोई वजन लेके बैठोगे तो शायद वजन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पर नियम यही है कि यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो दौड़ो मत किसी के पीछे। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। पीछे मत लगो किसी को। और इसलिए आपका जीवन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, $5 trillion इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा, और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका मंत्री हूं, मैंने अभी मर्सिडीज की एक कार लॉन्च की इलेक्ट्रिक की, तो जर्मनी से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे। अब LNG का एक ट्रक मैंने चाकड़ में ब्लू एनर्जी का ये किया, जो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है, डीजल की तुलना में 50 मीटर कॉस्ट बच जाती है। आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। अब मेरे पास 3 कार है, इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटो की इनोवा है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है, मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। उसकी एक कहानी है, मैं जब ये टीवी इंटरव्यू में, आजकल मैं तो नहीं सुनता मेरे इंटरव्यू, पर मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, इसका मतलब लोग बहुत सुनते हैं। तो मेरे पत्नी ने एक बार खाना खाते हुए मुझे कहा कि आप बोल रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, तुम्हारे ऊपर मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का क्या बैठने वाला है।
तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे बीच में, मेरे और लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा इंडिया के चेयरमैन थे उनको फोन किया, विक्रम मुझे हाइड्रोजन की कार चाहिए। बोले, वो बताने लगा, बोला आई डोंट नो रीजनिंग, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारे? नहीं, वो ऐसा है, देखो एक बात याद रखो, आई ऑलवेज टेलिंग टू पीपल, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। मुझे मालूम नहीं मुझे कार चाहिए, तो उसने मुझे कार लाके दी, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूं वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूएल फॉर फ्यूचर, द फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन, लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम, और उसमें काम करने के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, टीम वर्क, अगर ये तीन छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है।